डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण थ्योरम करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि क्या यूनियन ऑफ द टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप के दो उप ग्रुपों का संघ एक उप ग्रुप होता है, ठीक है ना। कब? यदि केवल यदि ये एक दूसरे में अंतर्विस्त है, अर्थात वन इज कंटेंड इन द अनदर। हाउ वी कैन शो दिस थिंग, इसमें वही इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में सिद्ध करेंगे। दिया है जी एक ग्रुप है और एक्स वन व एक्स टू मान लिए इसके दो उप ग्रुप, क्लियर है ये लाइन में। और फिर हम नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक प्रतिबंध में क्या करें कि मान लें या तो H1 इज कंटेंड इन H2 या H2 इज कंटेंड इन H1, यानी कि H1 या तो H2 का उपसमुच्चय है या H2 H1 में अंतर्विष्ट है या निहित है या कंटेंड है, क्लियर है ये लाइन है। और हमें सिद्ध करना है कि H1 यूनियन H2 G का उपग्रुप, क्लियर है ये लाइन है। केस फर्स्ट, मान लिया कि H1 इज ए सबसेट ऑफ H2 या H1 H2 के अंदर है, ये H1 H2 के अंदर है, क्लियर है ये लाइन है। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, जैसा कि इस वेन डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि H1 यूनियन H2 H2 के बराबर आएगा, क्लियर है ये लाइन है। जब ये H2 के बराबर आएगा और H2 क्या है, G का सब ग्रुप है, इसका मतलब H1 यूनियन H2 भी G का सब ग्रुप होगा, क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार हम के सेकंड लें कि यदि H2 इज कंटेंड इन H1, मींस H2 H1 में अंतर्विष्ट है, तो ये H2, क्लियर है ये लाइन है, और ये H1 में अंतर्विष्ट है, तो H1 यूनियन H2 किसके बराबर आएगा, H1 के बराबर आएगा, क्लियर है। क्यों? H2 के साथ यूनियन लेंगे, H2 में जो भी अवयव है वो H1 के हैं, तो ये H1 के बराबर आएगा। और H1 ऑलरेडी क्या है, उप ग्रुप है या सब ग्रुप है, तो पक्की बात हो गई कि H1 यूनियन H2 भी G का सब ग्रुप होगा, क्लियर है ये लाइन है। अब हम इसका उल्टा करेंगे, सफिशियंट कंडीशन या पर्याप्त सफिशियंट कंडीशन के लिए मैं क्या करूं कि माना H1 यूनियन H2 G का उपग्रुप, हमने उपग्रुप मान लिया, हमें क्या सिद्ध करना है कि या तो H1 H2 में है या H2 F1 में, क्लियर है ये लाइन है। हम इसे विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, यानी यदि संभव हो तो हम ये मान लें कि H1 H2 में नहीं है और ना ही F2 F1 में है, तो F1 इज नॉट कंटेन इन F2 एंड F2 इज नॉट कंटेन इन F1, क्लियर है। हम ये सिद्ध कर देंगे कि ऐसा संभव नहीं है। अब यदि H1 H2 में नहीं है, तो उपसमुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो H1 में है लेकिन H2 में नहीं, क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार देयर एग्जिस्ट द बी बिलोंग्स टू H2 सच दैट बी इज नॉट बिलोंगिंग टू द H1 बिकॉज H2 इज नॉट कंटेन इन H1, यानी कि जब H2 H1 में नहीं है तो कम से कम H2 का एक अवयव ऐसा होना चाहिए, H2 का एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो H1 में नहीं है, क्लियर है ये लाइन है। और अब A belongs to H1 और B belongs to H1, यानी कि H1 और H2 के दो अवयव होंगे, तो पक्की बात है कि A और B कहाँ होंगे, यूनियन में होंगे, क्योंकि तो यूनियन की डेफिनेशन यही है कि H1 और H2 के सभी अवयवों का समुच्चय। अब H1 यूनियन H2 ग्रुप है और ये दोनों इसमें है, यूनियन में है, ए और बी, क्लियर है ये लाइन है। तो पक्की बात हो गई कि ए बी किसमें होगा, एच वन यूनियन एच टू में होगा, क्यों उपग्रुप है, तो इसमें क्या कंडीशन लग जाएगी, समरसता से, समरसता से, क्लियर है ये लाइन है। तो ए बी किसमें आना चाहिए, एच वन यूनियन एच टू में आना चाहिए, क्लियर है ये लाइन है। जब ए बी एच वन यूनियन एच टू में है तो संघ की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि या तो ए बी एच वन में होगा या ए बी एच टू में होगा, क्योंकि हम जानते हैं ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए
और x बिलोंग्स टू b, दोनों में से किसी ना किसी में तो होना ही चाहिए यदि x यूनियन का अवयव है। तो यहाँ ए बी यूनियन का अवयव है, तो ए बी या तो एच वन में होगा या एच टू में होगा। फर्स्ट केस क्या लूँ मैं, कि माना ए बी बिलोंग्स टू एच, क्लियर है ये लाइन में। तो अब क्योंकि ए हम मान के चले थे एच वन का एलिमेंट्स, तो और एच वन क्या है, उप ग्रुप है, तो पक्की बात है ए इनवर्स किस में होगा, एच वन में होगा। क्यों क्यों, बाकी है बाई एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, अवयव का अस्तित्व से। क्लियर है ये लाइन में, मेरे हिसाब से समझ में आ रही है ये चीजें, जब ए इनवर्स एच वन में है और ए बी भी एच वन में। क्लियर है ये लाइन है, तो ए इनवर्स ए बी यानी कि समरसता से। क्लियर है ये लाइन है, सब ग्रुप तो है ही, तो यानी कि इसमें ग्रुप के सभी कंडीशंस लागू हो जाएंगी। क्लियर है ये लाइन है, तो ए इनवर्स ए बी मस्ट बिलोंग टू द एच वन। अब इसमें ए इनवर्स ए को एक साथ रख लें तो ये एच वन में होगा, ए इनवर्स ए का मतलब आइडेंटिटी। क्लियर है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। क्लियर है ये लाइन है, और जब ई बी बिलोंग्स टू एच है तो आइडेंटिटी है ये, आइडेंटिटी किसी भी अवयव पर ऑपरेट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बी आ जाएगा। क्लियर है ये लाइन, जब बी बिलोंग्स टू एच वन तो की विरोधाभास है। क्लियर है ये लाइन, क्योंकि हमने तो ये माना था कि बी बिलोंग्स टू एच टू सच दैट बी इज नॉट बिलोंगिंग टू द एच वन। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि बी हमने किस ढंग से माना था, बी हमने यो माना था। क्लियर है ये लाइन है कि बी इज नॉट बिलोंगिंग टू द एच वन। क्लियर है ये, इसका मतलब जो कुछ आ गया वो विरोधाभास आ गया, यानी कि उल्टा आ गया। क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार यदि ए बी एच टू में, उसी चीज को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ए बी यदि एच टू में है और बी एच टू में है, क्लियर, और एच टू ग्रुप है, तो पक्की बात है कि बी इनवर्स किस में होगा, एच टू में होगा बाई एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट। क्लियर है ये लाइन है। अब ए बी एच टू में है, बी इनवर्स बी एच टू में, तो क्लोजर से क्या होना चाहिए, ए बी बी इनवर्स मस्ट बिलोंग टू एच। क्लियर है ये लाइन है, और अब मैं बी बी इनवर्स को एक साथ रखूं तो यूं कर दें बिलोंग टू एच टू, और बी बी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि एक अवे और उसका इनवर्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। ए ई बिलोंग्स टू एच टू, और ए ई का मतलब ए बिलोंग्स टू एच। क्लियर है ये लाइन है, चल जो कि विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि हम ये मान के चले थे अभी जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया कि ए बिलोंग्स टू एच वन सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू द एच टू। क्लियर है ये लाइन है, लेकिन हमारे पास तो क्या आ गया कि ए बिलोंग्स टू एच टू, अतः ये क्या है, विरोधाभास है, अतः जो हमने माना था वो गलत है, अर्थात या तो एच वन एच टू में होगा या एच टू एच वन में होगा। क्लियर है ये लाइन है, अर्थात दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होता है यदि वो एक दूसरे में निहित हो, कंटेंड हो। क्लियर है, इसको एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं, यदि जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। क्लियर है ये लाइन है, और हम जानते हैं कि ये योग संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। और अब मैं इसके दो ग्रुप ले लूं, एक तो ये वाला एच वन माइनस एट माइनस फोर जीरो फोर एट एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो कि सब ग्रुप जेड। इसी प्रकार एच टू माइनस दस माइनस पाँच जीरो पाँच दस, ये योग संक्रिया के लिए जी के दो ग्रुप। क्लियर है ये लाइन है, इसमें तो क्या किया है मैंने, फोर एच फोर जी ले लिया, या फोर जेड कह सकता हूँ मैं, इस समुच्चय को हम ज़्यादातर क्या किससे व्यक्त करते हैं, फोर जेड। क्लियर है ये लाइन है, फोर के मल्टीपल में, फोर के गुणक में, और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, हम इसे फाइव के मल्टीपल का मतलब फाइव जेड। एक ही बात है, मैंने इनके नाम एच वन और एच टू रख दिए, ठीक है। एच वन यूनियन एच टू में क्या होगा,
ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, सभी अवयव आ जाएंगे, -10, -8, -5, -4, 4, 5, 8, 10, इत्यादि। क्लियर है ये लाइन है? क्या ये उपग्रुप है, ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, कहने तो हाउ वी कैन सी दिस थिंग वेदर इट इज अ सब ग्रुप और नॉट। तो क्या करूं मैं, इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लिए, 4 और 5 बिलोंग टू द यूनियन, और इन दोनों का योगफल यूनियन संक्रिया किसकी है, योगफल की है, तो इनका योगफल कितना आया, 9, जो कि S1 यूनियन S2 में नहीं है। अतः S1 यूनियन S2 योग संक्रिया के लिए समरस नहीं है और अतः ये उपग्रुप नहीं हो सकता। क्लियर है? ये क्यों नहीं है उपग्रुप, क्योंकि S1 S2 में निहित नहीं है और S2 भी S1 में निहित नहीं। यदि ऐसा होता तो ये डेफिनेटली इसका ग्रुप होता। क्लियर है? ये तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी ये सारी चीजें। हमने एक उदाहरण भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई जरूरी नहीं कि दो सब ग्रुपों का यूनियन एक सब ग्रुप। कब होता है दो यूनियन का सब ग्रुप, दो सब ग्रुपों का यूनियन कब एक सब ग्रुप होता है, जब या तो H1 H2 में हो या H2 H1 में हो। बाकी नेक्स्ट डे करेंगे।